नमस्कार मित्र, ये अमरावती शहर का राजकमल चौक पर स्थित वनिता समाज में स्थापित करवे वाचनालय। अनेक वर्षों से ये वाचनालय अपनी सेवाएं दे रहा है। यो तो आजकल वाचनालयों में जाने की, पढ़ने की ललक जरा कम हो चुकी है। इसके बावजूद भी इस वाचनालय की विशेषता है कि बरसों से संजोई हुई किताबें यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। बढ़िया कवर चढ़ाए गए हैं, आलमारियों में रखे गए, और आपको ताजुब होगा कि आलमारी खोलते से उसमें सुगंध आती है। डामर की गोलियां डाली जाती है, दवाई डाली जाती है, जिसके कारण दीमक ना लगे, खराब ना हो। ऐसी उत्तम व्यवस्था का यह करवे वाचनालय, इसके संबंध में अधिक जानकारी हासिल करते हैं वाचनालय मैनेजमेंट से। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? मेरा नाम रोहित राजेंद्र बंसोड़े, जो हमारा वनिता समाज संचालित करवे वाचनालय है, उसकी जो स्थापना हुई है 1944 साल में, यानी अभी 74 ईयर्स वाचनालय का वर्ष है, और अगले साल 75 ईयर्स यानी हीरक महोत्सव वर्ष हम साझा कर रहे हैं। हमारे वाचनालय में 13,000 ग्रंथ है, उसमें कथा, कादंबर्या, स्टोरी, पत्रे, निबंध और धार्मिक ग्रंथ, और कुछ जो रेफरेंस बुक रहते हैं वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और दुर्मिळ ग्रंथ में आप पूछेंगे तो अमरावतीचा इतिहास, मराठी विश्वकोश, लोकमान्य टिळक यांची अमूल्य अशी ग्रंथ संपदा, त्यांची आठवणी, महाभारताचे पूर्ण 18 खंड, वाल्मिकी रामायण आणि इन्सायक्लोपीडिया, अशा प्रकारचे काही दुर्मिळ ग्रंथ आम्ही आमच्या वाचनालयामध्ये ठेवतो।